कांगड़ा जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश बराड़ ने जिला परिषद कार्यालय धर्मशाला में पदभार संभाला। इस दौरान जिला पंचायत अधिकारी अश्विनी कुमार शर्मा सहित कार्यालय स्टाफ व भाजपा नेताओं ने रमेश बराड़ को कार्यभार संभालने पर बधाई दी। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में रमेश बराड़ ने कहा कि जिला पार्षदों के लिए बजट के मुद्दे को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। ब्राड ने कहा कि वर्ष 2010 में जब हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, उस समय जिला परिषद का बजट 30% था और सीएम जयराम ठाकुर उस समय पंचायती राज मंत्री थे। ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि जिला परिषद की समस्या को सीएम समझेंगे और जिला परिषद को पूरा बजट मिलेगा। बराड ने कार्यभार संभालते हुए सीएम जयराम ठाकुर, जनता, जिला पार्षदों और भाजपा पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि बिना पक्षपात के सभी पार्षदों को लेकर जिला के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर पूरा फोकस रहेगा। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनके सारे मंत्रिमंडल का, और मैं खास करके धन्यवाद करना चाहता हूँ जिस जनता ने मुझे चुनकर यहाँ तक पहुँचाया, और सभी जिला परिषद के मेंबर का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे अध्यक्ष के काबिल समझा और मेरे पक्ष में वोट किया। बिल्कुल साफ सुथरी प्राथमिकता रहेगी जी, यहाँ पे कोई भी पक्षपात नहीं होगा, जो भी काम होगा सभी मेंबर्स को डिस्कस करके किया जाएगा। सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। विकास को, कांगड़ा जिला के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी रणनीति रहेगी, हम सरकार के समक्ष अपना यहाँ जिला परिषद का विषय रखेंगे क्योंकि जब हम 2010 में हमने चुनाव लड़ा जिला परिषद का, तो हमारा बजट 30% था। तो हमारे उस समय अब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उस समय हमारे वो पंचायती राज के मंत्री थे और उनके स्वयं में बहुत काफ़ी बजट आया, तो वो अब हमारे मुख्यमंत्री वो ही हैं तो भली भांति समझते हैं और इस बात को समझेंगे और जो हमारा बजट है वो हमें पूरा मिलेगा।